अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू आज की इस वीडियो में हम अडोल्स हाउस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपको इस प्ले के रिलेटेड टाइटल सिग्निफिकेंस इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरिक इम्पन ये इसका ऑथर है करेक्टर समरी थीम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्ले का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये प्ले है क्या अ डॉल हाउस इज अ थ्री एक्ट प्ले रिटन बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हैंनरिक इम्सन इट कंसर्व विद द लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ मिडल क्लास नॉर्वेजियन इन द एटी एंड डील्स विद सच एज द पावर ऑफ मनी एंड द प्लेस ऑफ वुमेन इन पेट्रियॉर्कल सोसाइटी ये थ्री एक्ट का प्ले है ठीक है लिखा किसने है एनरी किम्पसन ने और उसके अलावा जो है ये कंसर्स विद्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिडिल क्लास नॉर्वेजन्स इन द एटीन सेवेंटीज़ का टाइम है और इसमें थीम्स कौन कौन से है अपेयर द पावर ऑफ़ मनी एंड द प्लेस ऑफ वूमेन इसके बाद हम सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसके आ, प्ले के राइटर का इंट्रोडक्शन बोर्न ऑन मार्च ट्वेंटी इन नॉर्वे डाइड मई ट्वेंटी थ्री नाइनटीन जीरो सिक्स इन ऑस्लो नॉर्वे प्ले हाउस इसके जो इम्पोर्टेंट प्लेस है एन एनिमी ऑफ द पीपल हैडा पियर जे एंडा गाब एंड मोर लिखते नेम द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा इसको मॉडर्न ड्रामा का फादर भी कहा जाता है नेशनलिटी है नॉर्वेजन की इज हैंनरिकर्ड द फादर ऑफ़ मॉडर्न ड्रामा बिकॉज ही इज़ अमंग द फादर ऑफ मॉडर्निज्म द ड्रामा और द नॉर्वेजियन थिएटर ठीक है इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म भी बोला जाता है उसके बाद हम जो है टाइटल सिग्निफिकेंस देखते हैं डॉल हाउस की The significance of a doll house symbolically, the title A Doll House represents a greater significance to Ibsen's stark message of male domination over women. A doll's house, a doll house a, house, a doll in this play suggests the married woman who, after getting married, comes to build house with her love and care but ultimately gets insulted, humiliated, and tortured. This title represents and relates to the whole play. up. डॉज हाउस रिले टू पावर इट रिप्रजेंट्स इट्स एवरी मूव इज डिपिक सिग्निफिकेंट टू सोसाइटी एंड इंट्रेपमेंट विद इन द हाउस ठीक है अब ये टाइटल हमें सिमलाइज करा है ये एक लड़की के को को डॉल बोला गया है यहाँ पर नौरा को जो कि एक अपने लवर के साथ शादी करके इस घर में बसने आई है लेकिन उसके बाद क्या होता है उसको टॉर्चर किया जाता है इंसल्ट किया जाता है और ह्यूमिलेट किया जाता है उसे घर के, उस के अंदर भी Uh, एक डॉल की तरह एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है और घर के बाहर की सोसाइटी भी उसे ऐसे ही ट्रीट करती है अब हम इसके बाद इसके करैक्टर्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला करैक्टर है नोरा का द प्ले प्रोटैगनिस एंड द वाइफ ऑफ टॉर्वर्ल्ड हेलमर नोरा हैज़ नेवर लिव्ड अलोन गोइंग इमीडिएटली फ्रॉम द केयर ऑफ हर फादर टू दैट ऑफ हर हस्बैंड Inexperienced, inexperienced in this way of the world as a result of this sheltering, Nora is impulsive and materialistic. But the play questions the extent to which these attributes are mere masks that Nora uses to negotiate the patriarchal oppression she faces every day. The audience learns in the first act that Nora is independent enough to negotiate the loan to make. holiday possible and and over the 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 course of of play Nora emerges as a fully independent woman who rejects both the false union of her marriage and the burden of motherhood. देखा jo का protagonist है वाइफ किसकी है वो टॉल Helmer की यही वो लड़की है जिसको डॉल के साथ कंपेयर किया गया है इस यहाँ पे प्ले में दिखाया गया है कि एक्ट वन में जो है नोरा इंडिपेंडेंट है इनफ टू निगोशिएट द लोन यहाँ पे आगे एक स्टोरी होगी लॉन की क्रॉक्सटेड के साथ तो वो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तभी मैं आपको क्लियर कर दूंगी इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास टॉलवर्ड का जो कि नोरा का हस्बैंड है नोरा हस्बैंड ऑफ एट हेलमर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हैज बीन प्रोमोटेड टू मैनेजर ऑफ़ द बैंक टॉलवर्ड हैज बिल्ड हिज मिडिल क्लास लिविंग थ्रू आउट हिज ओन वर्क एंड नॉट फ्रॉम फैमिली मनी Focused on business, Torvald spends a great deal of time at home in his study, avoiding general visitors and interacting very little with his children. In fact, he seems himself primarily as responsible for the financial welfare of his family and as a guardian for his wife. Torvald is particularly concerned with morality. He also can come across as stiff and unsympathetic. वो मैनेजर प्रमोट हुआ है एक बैंक का उसके बाद ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है इसने खुद अपनी मैनेज से सारा पैसा कमाया है और ये बच्चों को बहुत कम टाइम देखता है ये काफी मॉराली की तरफ दिखाया गया है मॉरल करेक्टर है उसके बाद फिर ये भी दिखाया गया है की ये प्ले में स्टीफ भी है और अनसिपथेटिक भी है उसके बाद लास्ट एक्ट उसका ये क्लियर करता है कि वो अपनी बीवी से कितना प्यार करता है नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास डॉक्टर रैंक का फ्रेंड ऑफ़ द फैमिली एंड ट्रॉबल फिजिशियन डॉक्टर रैंक इन एंड सबवर्स द थोरेटिकल रोल ऑफ मेल मॉरल फोर्स दैट ट्रेडिशनल इन द प्लेस ऑफ द टाइम अब डॉक्टर रैंक को ना ये एक फैमिली फ्रेंड है टॉवर का फिजिशियन है और ये जो है रैदर दैन प्रूविंग मॉरल गाइडेंस एंड एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द करेक्टर डॉक्टर रैंक इज़ अ करप्टिंग फोर्स बहुत फिजिकली एंड मॉरली जो डॉक्टर रैंक है वो नोरा को लाइक करता होता है सिक फ्राम कंसप्शन ऑफ द स्पाइन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फादर्स सेक्शुअल एक्सप्लाइड उसे एक डिजीज़ होती है ट्यूबर क्लोसिस ऑफ स्पाइन होता है उसको द डॉक्टर कन्फेस्ट द डिजायर फॉर नोरा इन द सेकेंड एक्ट एंड गोज ऑफ टू डाई इन दर्ड एक्ट सेकंड एक्ट में वो एक्सप्रेस करता है नोरा उसको लाइक करता है और थर्ड एक्ट में वो मर जाता है तो डॉक्टर एंक का जो करैक्टर है वो मतलब कोई इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर है नहीं है इस प्ले में ऐसे दिखाया गया है नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास मिसिज लिडे और कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं ट्रांसलेशन में इसको मिसेज लिंडन भी बोला गया है एंड ऑल स्कूल मेट ऑफ नोराज मिस क्रिस्टाइन लिडे कम्स बैक इन टू नोराज लाइफ आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड एंड मदर वो नोरा की स्कूल मेट है और वो दोबारा से नोरा की लाइफ में आती है जब उसके हस्बैंड और मदर की डेथ हो जाती है शी वर्क हार्ड टू सपोर्ट देयर हेल्पलेस मदर एंड टू यंगर ब्रदर्स इज द डेथ ऑफ हर हस्बैंड वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अपनी मदर और अपने टू यंगर ब्रदर को सपोर्ट करती रही है नाओ विद हर मदर डेड अब उसकी माँ भी मर गई है एंड हर ब्रदर्स आर अडल्ट शी इज़ अ फ्री एजेंट अब वो फ्री है वो कहीं जॉब करना चाहती है प्रेस फॉर मनी मिसेज लिंडे के सक्सेसफुल आस्क नोरा टू हेल्प हर सिक्योर आर जॉब एट ऑवर्स बैंक वो चाहती है कि वो नोरा को नोरा उस अपने हस्बैंड को बोले और उससे बैंक में जॉब मिले अल्टीमेटली मिसिस लिंडे डिस ओनली भी हैप्पी इफ़ शी गोज ऑफ विद क्रॉक्स्टर फिर वो कहती है वो तभी खुश रह सकती है अगर वो क्रोक्स्टर के साथ शादी कर ले हर ओल्डर वेरी व्यू पॉइंट्स प्रोवाइड अफॉल टू नोरा यूथफुल इम्पेशसनेस उसकी जो है वो ख्याल जो है वो काफ़ी पुराने हैं शी आल्सो सिम्बलाइज हॉलोनेस इन द मटेर का रोड व मैरिज लाइफ में हॉलोनेस को जाहिर कर रही है क्योंकि वो क्रॉकटर के साथ शादी सिर्फ जो है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कर रही है हर रिलेशनशिप विद क्रॉक्सट आल् प्रोवाइड अ पॉइंट ऑफ कम्पेरिजन विद डा एंड टोवर लेकिन एज कम्पेयर टू देर रिलेशनशिप नोरा और टोवर में काफ़ी प्यार होता है नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास क्रॉकस्टर्ट का नील क्रॉकटर इज़ अ मैन फ्राम होम नोरा बोज मनी टू पे फॉर अ ट्रिप टू इटली एन and ऑफ an employee एन the bank द बैंक हैज़ just टेकन ओवर क्रॉक्स्ट कौन है वो इंसान है जिससे नोरा पैसे लेती है एक दफ़ा उसका हस्बैंड बीमार हो जाता है और डॉक्टर उसे बोलते हैं कि इसे इटली लेके जाना पड़ेगा इसकी केयर के लिए तो वो काक्स्ट से मनी बोरो करके उसको इडली लेके जाती है और वही काक्स्टर जो है टॉवर्ड के बैंक में इम्प्लॉय है जिसे अभी अभी जो टॉवर के अंडर आया है टॉवर्ड कौन है नोरा का हस्बैंड Croxford was involved in a worst scandal many years previously. As a result, his name has been sullied and his career is turned. कुछ हर्षा पहले वो एक स्कैंडल में वो काफी बदनाम हो गया था Croxford जिसकी वजह से उसके नाम के साथ ये दबाव लग गया. When his job at the bank is jeopardized by Tower's refusal to work with the man he sees as hopelessly corrupt, Croxford blackmails Nora to ensure that he does not lose his job. अब क्या होता है जब Croxford को जो है जो नोरा का हस्बैंड है वो टॉबर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि ये करप्ट आदमी के साथ काम नहीं करेगा तो तो जो क्रॉक्सटर्ट होता है वो बदले में नोरा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हारा जो सच है पैसे लेने वाला वो तुम्हारे हस्बैंड के सामने एक्सपोज कर दूंगा कि तुमने उससे बताए बगैर मनी बोरो किया तो इससे अच्छा है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो कि मुझे जॉब से ना निकाले नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास इवर बॉबर्ट एम ही क्रॉक्सटर्ट वैसे पूरी स्टोरी का विलन है ये तीनों केैक्टर्स नोरा के बच्चे हैं रेज फैमिली बाय एंड द नर्स टाइम विद देयर मदर ऑफ फादर। द टाइम स्पेंड नोरा प्लेंग विद जस्ट अनदर प्ले मेट द चिल्ड्रेन स्पीक नो इन लाइन दे आर द्री चिल्ड्रन इपिलिटेट थ्रू नोराज माउथ एंड दे आर ऑफन कट इन इन परफॉर्मेंस ओके नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास एन का द फैमिली नर्स ये इसी नर्स ने नोरा को भी बचपन में पाला है और अब उसके बच्चों की देखभाल कर रही है नोरा इज कॉन्फिडेंट शी कैन लीव हर चिल्ड्रन एनस केयर नेक्स्ट करैक्टर है हेलन अ हाउस मेड इम्प्लॉयड बाय द हेलमर ये टॉलवर्ड हेलमर का जो है इम्प्लॉय है हाउस मेड पॉटर अ पॉटर हु ब्रिंग्स इन द क्रिसमस ट्री एट द वेरी बिगिनिंग ओके अब इसके बाद हम समरी करते हैं होप्स आपको करेक्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे उसके बाद मेड आती है उसके बाद उनकी मेड आती है और जो कि बताती है डॉक्टर रैंक आए हैं एट द सेम टाइम क्या होता है कि नोरा एक अन लेडी आती है बाहर तो नोरा को एक सरप्राइज़ मिलता है कि उसकी बचपन की दोस्त क्रिस्टेन लिंडे अ अफॉर्मर स्कूल फ्रेंड जो है उसे मिलने आई है उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को जो है काफ़ी अर्से से नहीं देखा होता तो नोरा को पता चलता है कि मिसिस लिंडे का जो हस्बैंड है वो भी मर गया है मिसेज क्रिस्टाइन लिंडे उसको अपनी स्टोरी बताती है कि जब उसका हस्बैंड मर गया तो वो कैसे हैंड टू माउथ हो गई थी और उसने कैसे सब कुछ मैनेज किया फिर उसके बाद वो नोरा अपने और टॉबर्ट की मैरिज लाइफ के बारे में उसको बताती है क्रिस्टीन बोलती है कि मैंने बहुत मुश्किल लाइफ गुजारी है तो, लेकिन नोरा कहती है मेरे भी कोई लाइफ का मुश्किल नहीं थी शुरू के दिन हमें बड़ी मुश्किल हुई शादी के टॉबर्ट बिकेम सिक वो बीमार हो गया शी शेयर दैट कपल हैड टू है तो इटली सो दैट वो सारी उसको कहानियाँ एक दूसरे को सुनाती हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की उसके बाद क्या होता है कि बाद वो डिटेल में उससे बताती है कि मैं मेरी मदर की डेथ हो गई थी फिर मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई मैं अपने टू यंग ब्रदर्स को केयर करती रही तो अब वो नोरा को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए तुम्हारे हस्बैंड के बैंक में तो नोरा कहती है मैं ज़रूर उसे बोलूँगी तुम्हें वो ज़रूर कोई जॉब देगा और मतलब फिर उसके बाद नोरा अपना एक सीक्रेट जो है वो उससे शेयर कर देती है कि एक दफ़ा मेरा हस्बैंड जो है वो बीमार हो गया था तो मैंने किसी से मनी बो करके हमारे इतने हालात ख़राब थे कि मैंने उससे मनी बोरो करके उसकी केयर की और फिर वो ठीक हो गया और मैंने उसको बताया भी नहीं मतलब मैंने भी उसके लिए काफ़ी सैक्रीफाइस दी हैं उसके बाद क्रॉक्सटेड की एंट्री होती है क्रॉक्सटेड कौन है वो टॉवर के बैंक पे इम्प्लॉय है और उसको देख के नोरा काफ़ी अनकम्फर्टेबल फ़ील करती है वो चला जाता है डॉक्टर रैंक और जो है ऑलरेडी डॉक्टर रैंक ऑलरेडी वहाँ बैठा है टॉर्वर्ड के पास और ये जो जोस्टर डॉक्टर रैंक और टॉरवर्ड हैं ये इकट्ठे बैठ जाते हैं उसके बाद जो है वो नोरा का हस्बैंड आता है और वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर ये उससे बात करती है उसकी जॉब तो कहता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके बाद ये सब चले जाते हैं फिर उसमें दिखाया गया है कि नोरा अपने बच्चों से खेलती है एंड मेरी एंड नोरा प्लेज विद अंटिल शी विदिलोटिस क्रॉक्टर प्रेजेंस इन द रूम वो दोबारा से क्रॉकटौर को देखती है द दे टू कन्वर्स एंड क्रॉक्सिस रिवील टू तो बी सोर्स नोरा सीक्रेट लोन अब जो है उन दोनों की आपस में बात होती है और क्रॉस्टर बोलता है उसको धमकी देता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड को नहीं बताओगी ये वो फोर्स नहीं करोगी मेरी जॉब रोकने के लिए तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा जो है वो सीक्रेट है वो उसके बाद जो है नोरा और क्रॉस्टर के दरियान यही कन्वर्जेशन होती है कि वो किसी तरह अपने हस्बैंड को एग्री करेगी नोरा अपने हस्बैंड से बात करती है कि वो क्रॉस्टर को ना निकले लेकिन उसके जवाब में कहता है ही डिक्लेयर्स एन इमोरल मैन एंड स्टेट्स दैट ही फील्स फिजिकली इल इन द प्रेजेंस ऑफ सच पीपल वो इनकार कर देता है कि वो क्रॉक्टर के साथ काम नहीं कर सकता उसके बाद एक टू स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे डे है है क्रिसमस का अलोन नोरा हर लिविंग, विद पेसिस नोरा अब काफी वरीड है कि अब उसने तो फैसला कर लिया कि उसको निकालेगा अब उसका जो सच है वो रिवील कर देगा कौन सा सच वो सच जो उसने उल्टा अपने हस्बैंड की केयर के लिए किया उसकी हेल्प की फाइनेंशियली वो भी छुप छुपा के काम करके उसके पैसे भी लुटा दिए लेकिन अब वो डर रही है कि अगर उसको पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा उसके बाद एक्ट टूर स्टार्ट हो रहा है जिसमें आज क्रिसमस का डे है और अलो नोरा पेसिस हर लिविंग रूम नोरा काफ़ी वरीड है अब उसके बाद क्रिस्टाइन आती है नोरा की फ्रेंड और जो है वो उसे डॉक्टर रैंक के बारे में बताती है कि डॉक्टर रैंक को जो है मॉटर इलनेस थी तो नोरा के जो सस्पिशियस बिहेवियर से वो क्रिस्टाइन uh, जो है वो गैस करती है क्या डॉक्टर रैंक के थ्रू तुमने मनी तो नहीं बोरो किया था वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था नोरा डिनाइज चार बट रिफ्यूज़ टू रिवील द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस फिर वो उसे अपनी ठीक से बात नहीं बताती कि वो इतनी परेशान क्यों है उसके बाद वो अपने टॉवर हस्बैंड को दोबारा से बैक करती है कि वो क्रॉसटन को ना निकाले लेकिन वो इनकार कर देता है और उसके जवाब में कहता है कि क्रॉसट मॉरल बिहेवियर इज़ नॉट ऑल दैट बोधर सीम ही डिसलाइक क्रॉसटन ओवरली फेमिलियर एट

कि वो उसको ये भी चाहिए कि उसे जॉब से ना निकाले बल्कि उसके हस्बैंड को उसे एक हायर रैंक देना चाहिए बैंक में तो ये अब उसकी डिमांड होती है उसके बाद वो लेटर को एक लेटर बॉक्स में डाल देता है और नोरा जो है वो काफ़ी हेजिटेट uh, हुई भी होती है तो वो क्रिस्टियन लिंडे को सारी बात बता देती है इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट टॉवर फॉर वो चाहती है कि अब जो टॉवर है वो लेटर बॉक्स के पास ना जाए तो वो अजीब किस्म का डांस करने लग जाती है इन आर एजिटेटेड इमोशनल स्टेट वो काफ़ी वर्ड है इसलिए वो वाइल्डली डांस कर रही है यहाँ पर और उसके बाद वो नोरा मैनेज टू मेक टॉवर प्रॉमिस वो नोरा uh, uh, टॉवर को एग्री कर लेती है कि वो डांस पार्टी के बाद ही उस लेटर को खोलेगा मिसिज लिंडे सून रिटर्न सेशन या लेफ़्ट

वेल्दी था लेकिन वो क्रॉकसट के लिए उसको छोड़ चुकी है क्रॉकसर्ट बहुत खुश होता है वो कहता है कि वो जो टॉवर को उसने लेटर भेजा है नोरा का सीक्रेट रिवील होने के लिए वो उसे वापस ले लेगा लेकिन जो होती है क्रिस्टाइन लिंडे वो उसे इंसिस्ट करती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो ये लेटर उनके दरमियान और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ाएगा जब उसको पता लगेगा टॉवर को कि मेरी बीवी ने मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन ये उसकी सोच गलत होती है सून आफ्टर कॉक्सर्ड डिपार्चर नोरा एंड टॉवर इंटर बैक फ्रॉम द कॉस्ट्यूम बॉल आफ्टर गुड नाइट टू मिसेज लिडे टॉवर टेज नोरा हाउ डिजायरेबल शी लुक टेस्ट शी डेंस उसके बाद पार्टी खत्म हो चुकी है अब टॉवर्ट उसे बताता है कि तुम कैसी लग रही थी डांस करते हुए हु वाज आल्सो एट द पार्टी एंड हैज कम टू से गुड नाइट नौरा कहता है कि डॉक्टर रैंक भी जो पार्टी में था वो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक रहा था आफ्टर डॉक्टर रैंक लीव्स टॉवर फाइव इन हीज लेटर टू ऑफ डॉक्टर रैंक विजिटिंग कार्ड्स अब डॉक्टर रैंक के जाने के बाद टॉवर को दो जो है विजिटिंग कार्ड मिलते हैं नोरा को पता होता है कि एक कार्ड में तो यही है कि डॉक्टर रैंक की अनाउंसमेंट है कि वो जल्द मरने वाला है

जो है टॉवर अटैम्प टू डिमिस अब क्या होता है कि टॉवर उसको काफ़ी इंसल्ट करता है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मेरे बच्चों को संभाल सको तुम बड़ी लायर हो चीटर हो तुमने इतना बड़ा धोखा किया क्या धोखा किया उसने उसको ने उसी की केयर के लिए सब कुछ किया उसके बाद क्या होता है जब टॉवर को पता चलता है कि क्रॉस्टर्ड उसे ब्लैक मेल करा था तो वो भाग के दोबारा आता है बट हिज हार्श वर्ड्स हैव ट्रिगर्ड समथिंग इन नोरा लेकिन उसके सख्त अल्फाज ने नोरा के अंदर कुछ और ही चीज़ को जन्म दे दिया था शी डिक्लेयर्स दैट डिस्पाइट डिस्पायर एट ईयर्स ऑफ मैरिज दे डू नॉट अंडरस्टैंड वन मार्डर वो कहती है कि आर्ट्स साल हो गए हमारी शादी को लेकिन अब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए टॉवर नोरा असर्स हैज़ ट्रीटेड हर लाइक अ डॉल वो कहती है कि टॉवर तुमने मुझे एक अपने वरसे की तरह एक डॉल की तरह ट्रीट किया टू बी प्लेड विद वन एंड एडमायर कभी तुम मेरे साथ खेलते रहे कभी मेरी तारीफ़ करते रहे कभी मुझे इंसल्ट करते रहे शी डिस टू लीव टॉवर डिक्लेयरिंग दैट शी मस्ट मेक सेंस ऑफ हर सेल्फ एंड एवरी थिंग अराउंड हर वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ शी वॉक्स आउट स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर और वो उसके ऊपर दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ पे एंड पे बताया गया है कि नोरा जो है अपने लिए स्टैंड लेती है और इस जो है ज़िंदगी से जहाँ पे उसको एक डॉल की तरह ट्रीट किया जा रहा है वो उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है अब हम अडोज हाउस की थीम्स को देखते हैं सबसे पहला थीम है हमारे पास फेमिनिज्म का फेमिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसमें क्योंकि जो प्रोटैगोनिस्ट है नोरा वो ही इम्पोर्टेंट फेमनिस्ट करेक्टर है नॉट ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर बट आल्सो इन द वर्ड ऑफ थिएटर हर फिगर एज अ दोज ऑफ दोन विद होम शी लॉक्स हॉन्स शी ब्रेक्स टावर ट्रेडिशन नोशन ऑफ वूमेन ये एक पेट्रार्कन सोसाइटी दिखाई गई है थ्रू आउट द प्ले हर मेल जो है उसको या तो कोई उसको सेड्यूस कर रहा है जैसे डॉक्टर रैंक या तो कोई उसे थ्रेटन कर रहा है एज अ क्रॉस्टर्ड और जो उसका हस्बैंड है वो दिखावे का उससे प्यार कर रहा है लेकिन एंड पे जो है वो उसकी सचवाइ को रियलाइज नहीं करता बल्कि उल्टा उसे डांट देता है डी वैल्यू करता है उसको थ्रू आउट द प्ले वो उसको आ, वो टॉन भी मारता रहता है तो जो नोरा है एज अ फैमिलीज करैक्टर इमर्ज होती है इस प्ले में क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को भी पाल रही है अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है उसने कैसे अपने हस्बैंड को जो है मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया उसके बाद

लेकिन जो नोरा है वो अपने लिए एंड पे स्टैंड लेती है और वो इस सारी जो है ए, ए, इंसल्ट वाली लाइफ ऐसी लाइफ जिसमें उसे एक टूल की तरह ट्रीट किया जाता है उसको छोड़ देती है नेक्स्ट थीम है हमारे पास लव एंड मैरिजेंट थीम ऑफ द प्ले इज लव एंड मैरिज लव एंड मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट थीम है एंड टावर हैमन अब ये दो किस्म की यहाँ लव एंड मैरिज है एक टावर्ड और नोरा के दरियान जिस जो मोहब्बत की बुनियाद पे होती है और दूसरी किस के दरमियान है क्रॉक्सटर्ड और क्रिस्टान के दरमियान जो कि अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उससे शादी करती है क्रॉक्सटर्ड से नोरा एंड आर प्रेजेंटेड एज हैप्पी कपल लीडिंग अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ द यूज़ ऑफ पेट नेम्स ये दोनों एक दूसरे को पेट नेम से बुलाते हैं जो कि कपल्स यूजली जो है प्यार से एक दूसरे को बुलाते हैं इसके ऑपोजिट जो लिंडे की लाइफ है दिस मैरिज प्रूव द कॉन्ट्रेस्ट टू द मैरिज ऑफ मिसेस लिंडे आर क्रॉस दैट दट हैपन्स बाय द एंड ऑफ द प्ले विच शो दैट द लव एंड मैरिज आर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वन द रियलिटी ऑफ डिसेप्शन ऑफ नोरा डाउन अपॉन टॉवर्स शी रिवील्स दैट अदर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर ठीक है यहाँ पे दिखाया गया है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउंस मैरिज लाइफ को भी कैसे अफेक्ट करते हैं कि जब उसके सामने टॉवर के सामने नोरा की रियलिटी लिविर होती है तो उससे उनकी मैरिटल जो स्टेटस है वो भी इफेक्ट हो रहा है उसके बाद ही रिविल्स दट अद नेक्स्ट है नोरा फ्रॉम हिज लाइफ वाइल शी इज़ आल्सो रेडी टू गो अवे ऑन द अदर हैंड मिसेस एंड हैव नेवर बीन लव विद ईच अदर मॉर एवर डॉक्टर रैंक टू हैज लव नोरा फॉर इयर्स तो ही वाज हिज नेवर अब यहाँ लव में डॉक्टर रैंक को भी दिखाया गया क्योंकि वो नोरा को लाइक करता है नोरा एंड टॉवर शो दैट देर मैरिज इज सब्जेक्ट टू सोशल रूल्स कन्वेंशन एंड कस्टम वन हीज़ रूल इज़ ब्रोकन द मैरिज अब यहाँ पर दिखाया गया कि नोरा और टॉवर की जो मैरिज है वो सोशल रूल्स और कन्वेंशन पर बेस करती है कस्टम्स पे जैसे ही वो रूल टूटे उनकी मैरिज टूट गई क्रॉस्टर मैरिज शो दिस इज नॉट ऑलवेज द केस और क्रॉस्टर और मिसेज लिंडे की मैरिज जाहिर करती है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता शादियों में नेक्स्ट थीम है हमारे पास मेटीरियलज्म का मेटरियलिज्म इज एन एसेंशियल थीमेटिक स्ट्रैंड दैट रंस थ्रू आउट द प्लेस स्ट्रेस अपॉन मनी इज द स्पेसिफिक फोकस ऑफ द मैरिड कपल नोरा एंड टॉवर हैमर जो है उनकी मेरिटल लाइफ में जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी डिस्टर्ब रहती है तो उनका फोकस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने पर होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड सक्सेस आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ टॉवर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सक्सेस वेदर इट इज़ इन मैरिज ऑफ बिजनेस टॉवर का ये ख्याल होता है कि शादी और बिजनेस दोनों में फाइनेंशियली स्ट्रॉग होना इंपॉर्टेंट uh, है हिज रिफ्यूजल टू टेक केस दैट डो नॉट him satisfaction is the primary reason for his financial success. वो आ, वो केस लेता ही नहीं था जिससे उसे सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी जो कि उसकी फाइनेंशियल सक्सेस का वजह थी नोरा टू थिंक्स दैट बाय प्रोवाइडिंग मटेरियल कंफर्ट शी कैन विन हर हस्बैंड एज नोरा का भी यही ख्याल है कि अगर वो फाइनेंशियल कंफर्ट प्रोवाइड करेगी अपने हस्बैंड को तो उसके दिल भी जीत लेगी और अपनी मैरिड लाइफ को भी अच्छे से गुजार सकेगी हा अवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मटीरियल सक्सेस ऑफ नोरा एंड टावर डैश टू द क्राउन बाई द एंड ऑफ द प्ले वन दैम टू नो द ट्रूथ लेकिन ऐसा नहीं होता वो इनका एक दूसरे को फाइनेंशली सपोर्ट करना ही उनके लिए जो उनकी मैरिज के लिए है वो एक एंडिंग का बायस बनता है नेक्स्ट कर नेक्स्ट थीम है हमारे पास डिसेप्शन का डिसेप्शन इज़ देदर मेजर थीम ऑफ द प्ले नोरा एक्शन ऑफ बोरिंग डेप्ट एंड देन फोजिंग हर फादर सिग्नेचर शो दैट शी हैज़ डिसीवड हर हस्बैंड डिसेप्शन यहाँ पे एक दिखाई गई है कि नोरा जो है वो अपने बाप के जो है मरने के बाद साइन करके जो है वो बनी बोरो करती है तो ये अपने हस्बैंड को यहाँ चीट कर रही है डिसीव कर रही है Although Crockston blackmailed her several times on account of his forgery, she has never disclosed it to her husband. क्रॉस्ट जो है वो काफ़ी दफ़ा उसे ब्लैक मेल करता है लेकिन वो कभी ये राज़ अपने हस्बैंड को नहीं बताती शी दैन शेयर दिस रिसेप्शन टू मिसिस लिंडे हु एडवाइज हर दैट शी शुड इनफॉर्म हर हस्बैंड अब वो वो लिंडे को बताती है मिसिस लिंडे की ऐसी सोच होती है कि वो अपने हस्बैंड को जब सच बताएगी तो उसका हस्बैंड कहेगा वाह मेरी बेबी बीवी कितनी ग्रेट है उसने मेरे लिए कितना कुछ किया लेकिन ऐसा नहीं होता शी बिलीव दैट सच मैरिज बेस्ड ऑन रिसेप्शन डू नॉट हैव अ चांस टू सक्सीड एंड शी प्रूव राइट वो कहती है कि Uh, मुझे पता है कि जो ऐसी शादियां हैं वो धोखे की बुनियाद पर ज़्यादा देर टिकती नहीं और ऐसा ही होता है क्रॉसर्ट आलो सफर फ्राम अ बैड रिप्यूटेशन एज इन इज ओन नोरा फॉर्जिंग सिग्नेचर ऑफ हर फादर एंड यूजिंग हर अब जो क्रॉसर्ट का करेक्टर है वो भी एक डिसेप्शन करैक्टर है क्योंकि वो भी पहले ही बदनाम है किसी स्कैंडल के सिलसिले में देर फॉर सच प्रॉज एंड प्लेज करप्टिंग फोर्स डैट नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द वेरी फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी बट आलो रू इन ब्लिसफुल लाइफ तो इस तरह के जो uh, है डिसेप्शन डिसेप्टिव करेक्टर्स दिखाए गए हैं करप्टिंग फोर्स दिखाई गई हैं जो कि ना के माशरे की बुनियादों को हिला देती हैं बल्कि मैरिज लाइफ में भी काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं टीम है थी, मैं हमारे पास रिलीजन का रिलीजन आलो डज नॉट डायरेक्टली अपेयर इन द प्ले लेकिन वो क्रिसमस से और क्रिसमस ट्री से क्रिसमस ईव से ज़ाहिर हो रहा है कि ये लोग क्रिश्चियन हैं और क्रिस्टनटी रूल्स को फॉलो करते हैं Uh, secondly there is much stress on the morality that is undoubtedly Christianity morality Christian morality. However, it is interesting that it is not has been directly mentioned. Only Toward accused Nora of having no religion and that his father does not have any principle. Toward you have a Nora a तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है और ये तुम्हारे बाप का जो है तुम्हारे बाप का भी यही काम था नोरा टू एडमिट्स बाय द एंड दैट शी डज़ नॉट नो द रियलिटी ऑफ रिलीजन एंड शी इज़ नॉट श्योर अबाउट द क्लर्जी एज़ वेल फिर एंड पे नोरा जो है वो भी बोलती है कि वो रिलीजन को इतने अच्छे इस तरह से नहीं जानती और उसके रूल्स को भी अच्छी तरह से नहीं जानती तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर रिलीजन का भी थीम नज़र आता है क्योंकि मोरालिटी से रिलेट कर रहा है रिलीजन नेक्स्ट थीम है हमारे पास करप्शन का इट इज एन इम्पॉर्टेंट थीम बट प्लेज एन इंपॉर्टेंटेंटें रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ प्ले डॉक्टर रैंक इज एपीटॉम ऑफ करप्शन हैज इन हर्टिट ट्यूबर क्लॉस अलॉन्ग विद मॉरल डिग्रेशन फ्रॉम इज फादर इन द सेम एट इज नॉर ऑफ इन हर्टिंग मॉरल मनी एंड फाइनेंशियल मैटर फ्रॉम आर फादर इन अदर वर्ड इज दट द सच करप्शन वेदर फिजिकल मॉर इज फ्रॉम द सोसाइटी करप्शन का थीम ऐसे दिखाया गया है कि जैसे सबसे पहले क्रॉक्सट का करैक्टर है जो कि पहले भी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व था और वो करप्ट करैक्टर दिखाया गया है डॉक्टर रैंक का करप्ट करैक्टर ऐसे है कि उसे अपनी फादर की तरफ़ से एक डिज़ीज़ मिली है वो जो ऐसे इंसान लोग जो हैं वो सेक्चुअली जो है काफ़ी सारे वूमेन के साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको ये डिज़ीज़ होती है ये मॉरली करप्ट करेक्टर है डॉक्टर रैंक का भी उसके बाद जो है नोरा का करेक्टर उसके हसबैंड की नज़रों में वो भी जो है मॉरली uh, जो है उसका फादर जो था वो फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी जो है भेदभाव uh, करता रहता था इन अदर वर्ड इट इज़ सजेस्ट दैट सच करप्शन वेदर इट इज़ फिजिकल और मॉरल इज़ अ कर्स फॉर द सोसाइटी ऐसी कोई भी करप्शन फिजिकल हो या मॉरल जो है वो सोसाइटी के लिए खतरनाक है लाइज इन लाइफ लाइज एंड देर इंपोर्टेंस इन सोशल लाइफ ये हमारे पास नेक्स्ट थीम है अनदर माइनर थीम नोरा इज़ लिविंग अ डिलीजनल वर्ड दैट बाई लिविंग लाइंग टू हर हस्बैंड शी कैन सेव हर मैरिज वो uh, सोचती है कि वो अपने हस्बैंड से झूठ बोल के अपनी लाइफ को मैरिड लाइफ को, को बचा लेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ये झूठ जो है वो उसकी शादी की uh, ख़त्म होने की बुनियाद बनता है हर मैरिड लाइफ विच शीज क्वाइट हैप्पी वॉज बिल्ड ऑन लाइज एंड कम्स टू एन एंड जो झूठ uh, की बुनियाद पर उसकी शादी जो है टिकी हुई होती है वो पे एंड पे आके ख़त्म हो जाती है अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वैल्यूएबल है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेंडर एंड फैमिली इन डॉल हाउस और डोज हाउस एक्सपोज इज द रिस्ट्रिक्टिड रोल ऑफ वूमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इट्स राइटिंग एंड प्रॉब्लम दैट अराइज फ्राम डोमस्टिक एम्बेलमेंट ऑफ पावर बिटवीन मैन एंड मूवमेन थ्रू आउट द प्ले नोराइज ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड बा अदर करैक्टर्स डॉल हाउस क्या कर रहा है एक ऐसी पेट्रारकर सोसाइटी को एक्सपोज करा है जो वुमेन को एक टॉय की तरह कंसिडर किया जाता है वो चाहते हैं कि एक गुड वुमेन की क्वालिटी यही होती है जो अच्छे से घर के काम करे घर के अंदर ही रहे उसके अलावा जो है वो बच्चों को संभाले ये जो टिपिकल पेट्रियारकर सोच होती है द इन द डॉल हाउस पे द वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल ये वही बात The men of a doll's house are in many ways just as trapped by traditional dental roles as the women. The men just द मैन मस्ट बी प्रोवाइडर्स दे मस्ट बेयर द बर्डन ऑफ सपोर्टिंग द इंटायर हाउस हु मस्ट बी दिन अब क्या है यहाँ पे पेट्रियारकल सोसाइटी में यही होता है कि मैन ही जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि द मैन मस्ट बी प्रोवाइडर्स द मैन ऐसा भी हो सकता है कि जो है जो मेल और फीमेल दोनों हैं हस्बैंड और वाइफ वो दोनों मिलकर घर को चलाएं तो बेटर वे होता है लेकिन ये उसकी सोच गलत है टॉवर्ड भी ऐसे ही सोचता है कि नोरा ने हिम्मत कैसे की जो है उसको धोखा दे के पैसे बोरो भी कर लिए और उसको ये सब कुछ कर लिया हालाँकि हालांकि ये कोई गुनाह नहीं था उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास करेक्टर एनालिसिस ऑफ नोरा नोरा जो है इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है नोरा इज़ अ चेयरफुल वुमेन हु इंजॉयज़ हर लाइफ एज वी सी हर इन द बिगिनिंग सेलिब्रेटिंग क्रिसमेट विद अक्यूट एंथ्यूजम नोरा का बड़ा चेयरफुल करेक्टर है शी इज़ अ सिंपथेटिक वुमेन हु आल्सो केयर्स अबाउट सबसे शी ब्रिंग द गिफ्ट फॉर हर मेड ऑन द ओकेजन ये दिखाया गया कि वो कभी, बड़ी जो है नरम दिल और अच्छे मिजाज की खातून है एट द बिगिनिंग ऑफ हर रोज हाउस नोरा सीम्स कम्प्लीटली हैप्पी शी रिस्पॉन्स अफेक्शनेटली टू टॉवर्स टीजिंग स्पीक्स अब उसका शुरू में दिखाया जा रहा है कि उसका हस्बैंड जो है उसको छोटी छोटी बातों पर टीज करता है टॉन्ट मारता है लेकिन वो इस सबको बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर लेती है वो समझती है उसका हस्बैंड की ये प्यार जो उससे करता है इसलिए उसकी जो केयर करता है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है शी डज नॉट सीम टू माइंड हर डॉल लाइक एग्जिस्टेंट इन विच शी इज़ स्कूडल पैम्पर एंड वो बिल्कुल भी बोधर नहीं होती इस ट्रीटमेंट से एज द प्ले प्रोग्रेस नोरा रिवील्स दैट शी इज़ नॉट जस्ट अ सिली गर्ल एज टोवर कॉजर वो कहती है कि वो एक सिली गर्ल नहीं है जैसा कि उसे नौर, 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 उसका हस्बैंड बुलाता है दैट शी अंडरस्टैंड द बिजनेस डिटेल रिलेटेड डेप शी इंक्योर टेकिंग आउट अ लोन टू प्रिजर्व हेल्थ इंडिकेट दैट शी इज़ इंटेजेंट कैपेसिटी बियड मेयर वाइफ हुड वो कहती है कि वो एक सिली करैक्टर नहीं है बल्कि वो सारा कुछ बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करती है उसका हस्बैंड अक्सर उसे बोलता रहता है तुम बिजनेस की बातें ना ही किया करो उसके लोन लेकर अपनी हस्बैंड की फाइनेंशली हैल्प करने के ये उसकी इंटेलिजेंस को शो करता है हर डिस्क्रिप्शन ऑफ़ हर ईयर्स ऑफ सीक्रेट लेबर अंडर टू पे ऑफ हर डेप शोज हर फायर डिटर्मिनेशन एंड एम्बिशन वो जो है काफ़ी सालों वो मनी जो है वो लुटाती रहती है कैसे भी करके कोई जॉब करके वो शो करता है उसकी फायर एम्बिशन को द द फैक्ट दैट शी विलिंग टू ब्रेक लॉ इन ऑर्डर टू हैज शोज हर करेज अब जो है वो इस सबसे छुटकारा पा कर एक डिसीजन लेना अपने लिए अपनी अपनी खुद की ज़ात के लिए वो उसकी करेज को शो करता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न ड्रामा अकॉर्डिंग टू हेनरी इब्सन मॉडर्न ड्रामा इज द लिटरेचर दट फोकस ऑन रेगुलर पीपल एंड एवरीडे प्रॉब्लम एक्सप्लोर द डेफिनेशन एंड एक्जाम्पल ऑफ मॉडर्न ड्रामा थ्रू द प्ले अडोल्स हाउस मेजर बाबरा एंड लॉन्ग डेज जर्नी इन टू नाइट जो है मॉडर्न ड्रामा के लिटरेचर uh, में क्या करता है वो एवरीडे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है एज वन ऑफ़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थियेटर आल्सो रेफर्ड एज द फादर ऑफ़ रियलिज्म एंड द सेकंड मोस्ट इन्फ्लुन्शल प्ले राइट ऑफ टाइम आफ्टर शेक्सपियर शेक्सपियर का पूरी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है तो आफ्टर शेक्सपियर जो है किसके प्ले राइट पढ़े जाते हैं हैंनरिक इपसन के इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी द प्ले राइट हैंनरिकन कम्पलीटली री रॉड द रोज ऑफ ड्रामा विद द रियलिज्म वट वी स्टिल इन थिएटर टूडे What we still see in theaters today, he turned the European stage away from what it had become a plaything and destruction for the board and introduced a new order of moral analysis. What ड्रामा था ओल्ड ड्रामा को उसको रियलिज्म की बेस पे जो है दोबारा से रिक्रिएट किया जो कि आजकल भी चलता है उसके अलावा उसे फादर ऑफ़ रियलिज्म बोला जाता है और उसके प्ले जो है वो बहुत पढ़े जाते हैं तो मॉडर्न ड्रामा क्या होता है जिसमें एवरी डे प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सके होप होप्सो so, आपको ये वीडियो देखने के बाद इस प्ले की जो है कंप्लीट जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं